ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र प्राप्ति का शिवरात्रि का बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगा। वैसे मैंने वीडियो डाल दिया था शिवरात्रि का, ये जो उपाय बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो भगवान की कृपा से अवश्य ही पुत्र की मनोकामना आपकी पूरी होगी। शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। वैसे तो हम प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते हैं, प्रति सोमवार को भगवान शिव की पूजा करते हैं। अगर शिवरात्रि वाले दिन अपनी मनोकामना बोल करके भगवान शिव की पूजा की जाए तो उसका बड़ा महत्व होता है। भगवान शिव प्रसन्न होकर के हमारी प्रत्येक मनोकामना पूरी करते हैं। इस दिन आप भगवान शिव की आराधना करें और विशेष उपाय करें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस उपाय के लिए आपको शिवलिंग के बीज, बांस के पत्ते, बेलपत्र के पत्ते, भस्म, भांग के पत्ते, आग के पत्ते, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही एकत्र करके रखनी होगी। और अगर कमल का पुष्प मिल जाता है तो आप वह भी जरूर लेकर के आएं। शिवरात्रि वाले दिन सुबह स्नान करें। स्नान करते समय जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके आपको स्नान करना है। उसके बाद में आपको भगवान शिव के सामने संकल्प करना है। शिवरात्रि में चार पैर की पूजा की जाती है, रात की चार पैर की पूजा होती है। चार पैर की पूजा ना कर सकें तो आप सुबह और शाम दो समय की पूजा जरूर करें। भगवान शिव के सामने आपको संकल्प करना है कि हे प्रभु, हम अपनी मनोकामना के लिए आपका ये उपाय कर रहे हैं, आप हमारी मनोकामना जरूर पूरी करें। इस दिन आपको गाय का दूध भी लेकर के आना है। पंचामृत तैयार कर लें, एक लोटे में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर आदि डाल करके पंचामृत तैयार कर लें। बाकी सामान अलग अलग थारों में, प्लेटों में आप रख लें, भगवान शिव जी के सामने बैठ जाएं। एक चीज़ का ध्यान रखें कि शिवरात्रि वाले दिन सुबह के समय आपको अपने हाथ से आटे का शिवलिंग बनाना है। वैसे तो 11 शिवलिंग बनाए जाते हैं, अगर 11 ना बना सकते तो एक शिवलिंग बना लें। आप मंदिर में जाके ये उपाय कर सकते हैं प्रतिष्ठित शिवलिंग पर। मंदिर में ना कर सके तो घर में आटे का पारद शिवलिंग जरूर बनाएं, इसका बड़ा महत्व होता है। या आप बाजार से भी पारद शिवलिंग ला सकते हैं, उसी पर आपको पूजा करनी है। एक थाल में शिवलिंग को स्थापित करें, अष्टदल कमल बना करके हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। उसके बाद सबसे पहले आपको ओम नमः शिवाय बोलते हुए गंगा जल से स्नान कराना है, फिर पंचामृत से स्नान कराना है, शुद्ध जल से फिर स्नान कराना है। उसके बाद में आपको भगवान की टीका लगाना है, भस्मी अर्पण करनी है। सारा जैसे आप प्रति सोमवार को पूजा करते हैं सारी पूजा कर लें। उसके बाद में आपको 11 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पण करने हैं, 11 बेलपत्र। और अगर बांस के पत्ते मिल जाते तो वो भी बहुत प्रभावशाली है, वह भी आप चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप सफ़ेद आग या नीले आग के पुष्प चढ़ा दें। ओम तत्प्रसाद विद्मे महादेवादि में तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ऐसे बोलते हैं। पानी लेना है, उस पानी में गंगा जल और केसर डालनी है। जब आप पंचामृत से स्नान करा लें उसके बाद में आपको इससे स्नान कराना है। पूरा सामान आपको चढ़ा देना, ओम नमः शिवाय का जाप आपके मुख से चलता रहे। उसके बाद में आपको क्या करना है, आटे का चौमुखी दीपक बना करके मां जला दें। और आप धन प्राप्ति के लिए भी आप भगवान शिवलिंग पर कौड़ी चढ़ा सकते हैं, आप रुद्राक्ष चढ़ा सकते हैं स्वास्थ्य के लिए। लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय बता रहा हूँ मैं। शिवलिंगी के बीज, थोड़े से शिवलिंगी के बीज आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं, थोड़े से चावल आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं, और पुत्र जीवक अगर दवा मिल बूटी मिल जाती है तो वो भी आप शिवलिंग पर चढ़ा दें। ये सारा सामान आपको आग के पत्ते पर रख करके चढ़ाना है। आग के एक पत्ता ले लें, उस पर सारा सामान रख करके आप शिवलिंग पर रख देंगे और वहीं बैठ करके आपको 5 माला 3 माला कम से कम जो है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में आपको 51 बार ओम तत्प्रसाद विद्वे महादेवादि में तंदुर रुद्र प्रचोदयात, इस बात मंत्र का जाप कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है ओम नीलकंठाय नमः इस मंत्र का जाप कर लें। उसके बाद में आप जो नारियल होता पानी वाला वो तोड़ करके जिस तरफ आँख होती हैं वह शिवलिंग पर चढ़ा दें। और आप भगवान शिव की कथा का श्रवण करें, शिवरात्रि कथा का श्रवण करें। और आप उसके बाद में आरती करें,
फिर उसके बाद में आपको जो है शिवलिंग के बीज और थोड़े से चावल, पुत्रजीवक बूटी और नारियल के बीज, नारियल के बीज आप धारण करें, जो जिनके दूसरा तीसरा महीना चल रहा है वो, अगर दूसरा तीसरा महीना नहीं चल रहा है गर्भधारण से पहले आप ये उपाय कर रहे हैं तो वो नारियल वाला उपाय ना करें। शिवलिंग के बीज, पुत्रजीवक बूटी और थोड़े से चावल, ये सामान लेना है। और जो आपने दूध चढ़ाया था गाय का, उसमें थोड़ा सा जो है चरणामृत आप ले लेना है। और दो फल आपको लेने हैं शिवलिंग के सामने से ग्रहण करने हैं। उसके बाद में आपको सूर्योदय से पहले, जैसे शिवरात्रि की रात होती है जो चतुर्थ पहर चालू होता है, उस समय आपको ये प्रयोग करना है, ये खाना है। भगवान कृपा से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है, आप जरूर करें ये उपाय। और बेलपत्र के जो पत्ते थे उन पर ओम नमः शिवाय लिखना है आपको। जब आप चढ़ाएं उससे पहले ओम नमः शिवाय सफेद चंदन से आप लिख लें। जय श्री कृष्ण।